कल से आपके इंतजार हो रहा है रांची में, क्या कुछ नया संदेश लेकर आए? चुनाव में जा रहे हैं बस, नया क्या संदेश, लिस्ट जारी हो चुकी तीसरी, कुछ बचे हैं, एक दो दिन में हो जाएंगे। आज आपने दिल्ली में बयान दिया था कि 9 सीटें अभी आपने आज के लिए बचा कर रखा। नहीं देखिए, हम गठबंधन को साथ बनाए रखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बंटवारे को लेकर अगर मान लो नहीं बैठते, फिर भी एक सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव में जाएं। कई बार चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी होती है, पर कुल मिला करके चुनाव में मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से जाना चाहिए। या फिर एकला चुनाव भी जाएगी, क्योंकि ये अभी अभी चल रही है रात में, ये अभी हमारी ओर से देखिए, हमने सारी बातें छोड़ रखी है, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी ये तो आप उनको पूछे ना, हमने तो अभी उनके अभी हमारे तो 9 सीटें शेष है बाकी, इसलिए उनका विषय। सर, वो माथुर जी की क्या रणनीति फेल होती दिख रही झारखंड में? सर, मेरी कभी रणनीति फेल नहीं होती है सर, तो एनडीए एग्जैक्ट नहीं दिख रहा सर। नहीं नहीं, एनडीए एग्जैक्ट रहेगा, आप क्यों चिंता करते हो? जरूरी नहीं कोई दल रहे या नहीं रहे, पार्टी एग्जैक्ट रहनी चाहिए। 65 पार का लक्ष्य था, अकेले क्या इसको, इस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से 23 तारीख को आपके बीच में ही रहूंगा मैं। सर, ये सरू राय की टिकट अभी तक होल्ड रखी गई है क्या? देखिए, वो तो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को निर्णय करना है।